सवाल यही था कि आखिर ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी, कब तक ऐसे पीसी होती रहेगी? जब तक इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा। कौन कराएगा बैलेट पेपर से चुनाव? आप लोग कराएंगे, सब मिलजुल के कराएंगे, पूरा देश तैयार है। कानूनी रास्ता क्या है? कानूनी रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इसमें आदेश कर दे, जिस तरह से बाहर के मुल्कों की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि जिस भी इलेक्शन में थोड़ा सा भी गड़बड़ के चांस हैं, थोड़ी सी भी नॉन ट्रांसपेरेंसी है, थोड़ा सा भी लोगों को ये नहीं पता चलता कि वोट मैंने दिया किसको गया किसको, अगर थोड़ी सी भी उसमें इस तरह का शंका है तो ईवीएम से इलेक्शन नहीं होगा। बाहर के देशों ने ऐसा कर दिया, वहाँ की कोर्टों ने। हम उम्मीद करते हैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी समझे और एक्टिव हो, जो कि अभी इस देश को लग रहा है जितना सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव होना चाहिए, इस देश की सुप्रीम कोर्ट उतनी एक्टिव नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को जितनी बड़ी जिम्मेवारी है इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए, उनको ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए इस वक्त। देश की आवाज़ और सारा माहौल को समझ के उनको इमीडिएट डे टू डे इवन दिन रात बैठ के सुप्रीम कोर्ट को हियरिंग करके और इस पे इमीडिएट फैसला सुनाने की जरूरत है। सुबह मोटो एक्शन लेने की भी जरूरत पड़े तो वो लेना चाहिए। आज नया क्या था इस पीसी में, क्योंकि लगातार पीसी तो हो ही रही है? तो आज नया ये था कि जहाँ भी इवन टाटा नमक हो, आप एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं कि कुछ भी खाओ या कुछ भी मशीन लो गाड़ी लो ISI मार का हो, अब देश में BIS है, आप गाड़ी भी लेते हैं BIS स्टैंडर्ड है, भारत उसका कर दिया, इंडिया के बजाय भारत कर दिया BIS स्टैंडर्ड, मगर ये वोटिंग जो मशीन है इन पे कोई स्टैंडर्ड लागू नहीं, कोई कहीं से लाइसेंस नहीं इस तरह का लिया। ये देश के लिए सबसे जीने और मरने की लाइन है इलेक्शन, देश के लिए, देश के लोगों का सबसे बड़ा अधिकार कोई है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कोई है तो वोटिंग है, क्योंकि इससे लोग अपनी इस पूरे देश की व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। ये व्यवस्था संभालने का काम अकेले प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, वो तो एक नौकरी है, अकेले राष्ट्रपति का नहीं है, इनके भरोसे बैठ के देश आँख मूंद के सो नहीं सकता। ये लोग अगर कुछ गलत लोग भी इन पदों पे पहुंच जाएं तो देश का बेड़ा गर्क हो सकता है। और आजकल जो भी कुछ चल रहा है देश में, सब लोग कहते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर, इस देश की राष्ट्रपति भी बंधक है, कहीं निमंत्रण होता बेचारी जा नहीं सकती, जहाँ उसका हक होता वहाँ निमंत्रण पर उसको बुलाया नहीं जाता। इस देश में दोबारा होगा पार्लियामेंट का भी उद्घाटन, और इस वजह से एक ही ऑफिस से काम चल रहा देश का, डेमोक्रेसी देश में बची नहीं है, एक ही ऑफिस है देश में, सब लोग, देश की जनता कहती है सब कुछ तय करता है PMO ऑफिस, तो इसलिए डेमोक्रेसी के नाम पे शासन चल रहा है और संविधान शासन की इजाज़त नहीं देता। जो भी संविधान को इग्नोर करके शासन चलाने की कोशिश में है वो असली देशद्रोही लोग हैं। सर ये तो आप भी जानते हैं कि इस तरीके से EVM नहीं हटेगी, फिर इसके पीछे मकसद क्या आप लोगों का? ये हमने कहा इस तरह से नहीं हटेगी, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। नो, देश के अभी तो बताया सर्वे क्या हुआ है कि 90% लोग क्या चाहते हैं, अभी जो बताया सर्वे में, सर्वे है ये कौन सा ऑथेंटिक है, ये मिस कॉल जो मैं उस इसलिए जिसने सर्वे कराया, अदरवाइज वैसे आपको बात बनाने के लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताने वाले नहीं थे। हम नाम भी इसका डिस्क्लोज करेंगे बड़े लेवल पे, अभी हम उसको जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं करें, अभी कुछ सर्वे और भी चल रहे हैं, अदरवाइज वो संस्था जो ये सर्वे कर रही है उन पे भी कहीं ना कहीं कोई अंकुश लगाएगा, इसलिए हम थोड़ी सी गोपनीयता कुछ दिनों के लिए रखना चाहते हैं। और हम पूरे भरोसे पे हैं और पूरा विश्वास है, आप भी जाके फिल्म थिएटर के बाहर, कहीं सब्जी मंडी में, कहीं अनाज मंडी में, जहाँ या भीड़ जहाँ होती है लोगों की, देश में आम लोगों की भीड़ होती है, पूछ के देखिए कितने लोगों से आपने पूछा और कितने लोग EVM से इलेक्शन चाहते हैं और कितना बैलेट पेपर चाहते हैं। पूरा देश में यह हवा है, अब तो ये लोग निकलेंगे और सारे संगठन, हर तरह के संगठन, पूरे देश का कोई ऐसा संगठन, जिन लोगों से हमारी बात हुई एक ने भी मना नहीं किया, सारे पूरे उत्साहित हैं, पूरे साथ हैं इस आंदोलन के साथ, इस प्रोग्राम के साथ, क्योंकि ये देश की असली बात है, ये ढंग की बात है। EVM हटाओ, देश बचाओ, बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ और ढोंग से देश को बचाओ। सर ये नंबर बहुत कम ही है, 4,65,000 का नंबर दिया गया है, पूरे देश में 140 करोड़ की आबादी है, आपका नंबर बहुत कम आ रहा है। ऐसा है, और नंबर भी और लेने पड़ेंगे, मिस कॉल के नंबर और लेने पड़ेंगे, वो लगातार अभी आप देखोगे तो मोबाइल पे टका टक इस तरह से मिस कॉल आ रही है। अभी किसी के यहाँ से फंडिंग नहीं हो रही, सब हमारी पॉकेट से हो रही है जितने लोग इसमें शामिल हैं, और ना फंडिंग की इसमें जरूरत है, ये लोगों का आंदोलन है, ये फंडिंग करके कोई लोगों को बहकाना फुसलाना थोड़ा है या झूठा प्रचार थोड़ा करना है, ये लोगों का आंदोलन है, लोगों के दिल की बात है, इसलिए इसमें भारी फंड की जरूरत भी नहीं है। और जो लोग इसमें लगे हुए हैं वो अपनी जेब से, इसमें इतना भारी कोई खर्चा भी नहीं हमने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से चुनाव, ये मशीन नहीं हटेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो देश के साथ, देश लोगों की बात पहुंचेगी
और देश और जागरूक होगा। गांव में नहीं जा रहे सर, देहात में नहीं जा रहे आप? देहात में पूरे देश में अब जा के देखोगे थोड़े दिन। अरे नहीं 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 ऐसा नहीं, इससे ये पता चलता है आप लोग भी कितने उत्साहित हैं और हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ सड़क पे उतरें और जन आंदोलन चलाएं। ये बिल्कुल हम आपकी बातें सहमत है, उसकी उसकी तैयारी हो रही है और लोग तैयार हैं, चिंता मत करो। बताइए ऐसे शुभ अवसर में हर तरफ दिवाली है, हर्षोल्लास का माहौल है, आप ये नया मुद्दा उठाए पड़े, लोग राम राज्य की खुशियां मना रहे हैं, राम राज्य ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, देखो ना राम राज्य था, ना राम राज्य है, ना होगा, ये देश संविधान से चलेगा और इसमें व्यवस्था होगी, मानवीय व्यवस्था। प्रधानमंत्री ने कहा राम ही विधान है, प्रधानमंत्री एक आदमी है, उसकी एक वोट है, उससे ज्यादा उसके पल्ले भी कुछ नहीं है, देश के लोगों के पास वोट है, हर आदमी उतना शक्तिशाली है जितना प्रधानमंत्री है। गारंटी चल रही है देश में सर, मोदी जी की गारंटी चल रही है उनकी। किस बात की गारंटी? मोदी गारंटी चल रही है, गारंटी प्रचार चल रहे है एकदम। अरे बात, अरे इतना सारा पैसा, इतने सारे चंद पूंजीपतियों को सब कुछ दे दिया और उसमें से जो कमीशन है, बार बार लोग बोल रहे हैं बड़े पॉलिटिशियन नेता कि वो सारा का सारा, एक तो सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे उन्होंने तो बता ही दिया कि अडानी के पास जितना पैसा है वो सारा का सारा प्राइम मिनिस्टर का पैसा है, अब ओपनली कह दिया ये बातें, और देश के शीर्ष स्थान पे बैठे हुए लोगों को और आम लोगों को सबको पता है। अब मैं तो देश की जनता को ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, अपने देश के लोगों को, वोटर को भी और युवाओं को भी, जिन जिन के पास काला धन है उन सब से जब इलेक्शन में आए तो पूरा बटोरो, चिंता मत करो, ये आपका पैसा, आपका लूटा हुआ पैसा चंद लोगों के पास है, वो पैसा दब के लो, के मोदी जी सत्ता में आए थे, दब के पैसा लो और वोट देने की कति जरूरत नहीं, या ना ये ना तो किसान 6000 लेके वोट देगा, ना कोई निशुल्क राशन वाला वोट देगा, ना कोई राम के मंदिर पे वोट देगा, ये सारे ड्रामे तो इसलिए हैं कि मशीन के से गड़बड़ करके जीतना है और लोगों को भ्रम रहता रहे एक दूसरे को कि वोट मिल गई होगी। तो एक रही है कि जो अडानी अंबानी के जो पैसे हो, विपक्षी पार्टियां जो चुनाव के उनके कोई दूसरे मुद्दे नहीं इसलिए आरोप लगाती है। अरे क्या देश में प्रियम्बल ये कहता है संविधान का, देश में आर्थिक समानता होगी और आर्थिक समानता तब होती है जब आर्थिक नीतियाँ सही बनाई जाए। और आर्थिक नीतियाँ का मतलब क्या है? आर्थिक नीतियों का ये मतलब है हम उसी तरह के कार्यक्रम बनाएं कि जिससे हर आदमी काम कर पाए, हर आदमी को काम करने की छूट हो, अगर सबको हिस्सेदारी मिले आगे बढ़ने के लिए, ताकि धन संचय एक जगह ना हो। और धन संचय कैसे हो रहा है, किन लोगों के पास धन संचय हो रहा, आप अंदाज़ा लगा लो। इस देश के सारे जिन लोगों को चेक एंड बैलेंस करना होता है इन कंपनी के ऊपर, इनकी नाक में नकेल रखनी होती है, उनके तो सारे रिटायर्ड बड़े बड़े अफसर नौकरी छोड़ के इन लोगों की, इन्हीं पूंजीपतियों की नौकरी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो नौकरी में बैठ के भी ठगी करवाते हैं, सिस्टम में छेद करवाते हैं, देश की जनता को पता नहीं होता, और देश की सुरक्षा करने का, आर्थिक नीतियों की सुरक्षा करने का, देश सब आर्थिक विकास सबका हो उस पर काम करने की बजाय ये सारे लोग बिक जाते हैं और बिकने के बाद भी अपनी नौकरियां पक्की करते हैं, उसमें काफ़ी लोग जुडिशरी के भी ऐसे ही हैं देश में। अब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है, इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया, आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ई वी रामास्वामी, स्वामी अछूतानंद,
बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है, आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट, बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए?